विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण परिषद के सदस्यों ने बुधवार को नगर निगम में धरना दिया। धरना दे रहे परिषद के सदस्यों का कहना था कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, इसके लिए सरकार को ठोस कानून बनाने की ज़रूरत है। परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना था कि आज़ादी के बाद आबादी देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, जिस पर काबू पाने की ज़रूरत है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिप मिश्रा ने कहा कि देश में बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, इससे बढ़ रही जनसंख्या पर काबू पाया जा सके। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिप मिश्रा ने कहा। महिप मिश्रा, विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण परिषद, महिप मिश्रा मेरा नाम है। हम जो धरना दे रहे हैं, ये धरना इस मांग के लिए कि जिस तरह से भारत में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, वो जनसंख्या के कारण पैदा हो रही है, और जनसंख्या पर एक कानून बनना चाहिए। और ये कानून ऐसा होना चाहिए कि सर्वमान्य होना चाहिए, सारे लोग उस कानून को स्वीकार करें। हम एक इस तरह की कानून की परिकल्पना किए हैं जिसका नाम कम्प्लीट फैमिली लॉ है। और ये जो कम्प्लीट फैमिली लॉ ये मांग करती है इस कानून के अंदर कि जैसे एक तरीके से जो लोग जनसंख्या बढ़ाते हैं उनको पहले एक दंड का प्रावधान होना चाहिए, उन लोगों की वोटिंग कैपेसिटी को ख़त्म कर दिया जाए, उनके संसाधन कम ख़त्म कर दिए जाएं, और अगर वो लोग नसबंदी कराते हैं तो नागरिकता की तो वापसी कर दी जाए, बल्कि सारे संसाधन बंद रखे जाएँ। और दूसरी बड़ी बात जो हमारी कम्प्लीट फैमिली थ्योरी है उसमें एक चीज़ ये लिखा हुआ है कि जो लोग लड़कियाँ पैदा कर रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो वो टू चाइल्ड पॉलिसी की तरीके से है। लेकिन लड़कियों को हमने छोड़ने के लिए इसलिए कहा है कि जैसे मान लीजिए अगर लड़कियों को छोड़ दिया जाएगा इस फैमिली के स्ट्रक्चर के अंदर, तो भविष्य में 10-20 सालों के बाद एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ऐसी दशा आ जाएगी कि हमारा जब लिंगानुपात का सुधार होगा तो 1000 के पीछे लड़कियों की संख्या बढ़ जाएगी। इस दशा में जो हमारे दंपत्र होंगे उनको ये पता चल जाएगा कि हम अगर अपने बच्चों की शादी खोने जाएंगे तो किसी शादीशुदा से करना पड़ेगा। इस दौर में समाज जो होता है वो खूब मूव करके आ जाएगा टू चाइल्ड पॉलिसी के अंदर। तो हम ये चाहते थे इस तरह का एक कानून जनसंख्या कानून के माध्यम से बने जो है।